नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। भारत गांवों का देश है, खेत आज भी बड़ी आबादी की आजीविका का जरिया है। मिट्टी की खुशबू यहां के किसानों की रग रग में बसी है, तो खेत खलियानों में किसान का पूरा परिवार पसीना बहाता है। लेकिन बदलते वक्त के मुताबिक खेती की जरूरतों से आज भी बहुत बड़ी आबादी वाकिफ नहीं है। यही वजह है कि खेतों पर कॉरपोरेट का कब्जा हो रहा है, खेती के आधुनिक तरीकों से फसल बर्बाद हो रही है। इस बदलाव को जिसने सीखा वो आगे निकल गया। ऐसे में अगर कोई अपनी छोटी सी जमीन में भी बड़ा करिश्मा कर दिखाए तो जाहिर है चर्चा होगी। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी ही चर्चित महिला से जिसका नाम है किसान चाची। बिहार के मुजफ्फरपुर के गांवों में राजकुमारी देवी एक जाना पहचाना चेहरा है। खेती के बदलते तौर तरीके सिखाने वाला वो चेहरा जो गांव और राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। समाज के लिए सब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और उसके बाद में जिसको जहाँ प्रशिक्षण के लिए लोग बुलाता है तो हम जाते हैं। लोग कहता है कि हमार महिला तभी निकलते ना बा कामला कहले कहते जा जो रोड़े खेती करब हमरा ना करे के, तो वो लोग रिक्वेस्ट करके हमको बुलाते हैं तो महिला को हम समझाते हैं। एक शिक्षक परिवार में जन्मी और मैट्रिक पास, राजकुमारी ने वो करिश्मा किया है जो परिवार और गाँव में किसी ने नहीं सोचा था। '74 में सरैया प्रखंड के किसान परिवार में उनकी शादी हुई थी। भाइयों के बंटवारे के बाद 2.5 बीघा जमीन हिस्से में आई। परंपरागत रूप से होने वाली तंबाकू की खेती से आमदनी नहीं हो रही थी और परिवार चलाना मुश्किल हो गया था। राजकुमारी देवी ने ऐसे वक्त में मुनाफे वाली फसलों की जानकारी जुटाई और घर से निकल पड़ी। परिवार सहित गांव ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी मिट्टी से सोना उगाने का सपना देख रही थी। पति विरोध किए इसलिए कि हम नया थे, तो उनको लोग कह रहे थे तोरा मौगी के देख लिया हुआ, तो उनको खराब लगता था। तोरा मौगी के देख लिया हुआ बैगन में डाला हुआ चाहे कुछ हो, काम जो करते थे से ऐसे मौगी करते रह लगा। चौक पर जब खैनी खाने के लिए उनके यहाँ जाता था ना लोग, अरे मऊ के देख लिया वह पानी पटवा इतना लोग ऐसे, तो उनको खराब लगता था। बाकी हम कहे कि कुछ आपको खराब लगेगा, हम खेती करेंगे। जब हमको नौकरी ना है, आपको नौकरी ना है, तो क्या करेंगे, तो हम खेती करेंगे। नए नए प्रयोगों की मदद से खेती की और खुद के बूते कामयाबी हासिल की। अपने जैसी दूसरी महिलाओं को इसी रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए महिला मंडल का गठन किया। धीरे धीरे खबर आस पास के गाँवों तक पहुँची और अब राजकुमारी देवी किसान चाची बन गई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नुस्खे सीखने घर पहुंचे, तो 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके प्रयासों को फिल्म के जरिए अपने किसानों को दिखाया। आज किसान चाची तकरीबन 25 तरह के अचार और मुरब्बे बनाती है, महानगरों के मेलों में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाती है और साथ ही सामाजिक बदलावों का रास्ता भी दिखा रही है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान चाची के वीडियो बनाकर गुजरात के लोगों को उस वक्त दिखाए जब वो मुख्यमंत्री थे, तो जरूर देखिएगा कल रात 9:30 बजे न्यूज वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजो।